बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पिछले मैं दो ब्लॉग नहीं बना सकी इसलिए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और अब मेरी तबीयत बेहतर है, तो अभी मैंने बनानी है दाल माश, तो फिर वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं किचन में। कढ़ाई में पहले मैंने ऑयल डाला है, फिर उसके बाद हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हम इसमें डालूंगी मैं लहसुन अदरक का पेस्ट, तो गोल्डन ब्राउन करके उसके बाद मैं इसमें डालूंगी प्याज। अब इसमें जाएंगे प्याज, प्याजों को हम अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन कर देंगे। दाल को मैंने साफ करके अच्छी तरह भिगो के रख दिया था, तो दो घंटे के लिए भिगोया था, तो फिर ज़्यादा अच्छी बनती है, ऐसे मोटी मोटी दाल बनती है। तो प्याज हमारे हो गए हैं, इस तरह के प्याज रखने हैं। पानी डालेंगे ऊपर तक ठीक पानी का, उसे मसाले डालूंगी, सिर्फ मिर्च जाएगी 2 चम्मच, नमक तैयार रखेंगे ज़्यादा से गर्म मसाले। अब इसमें मैं डालूंगी टमाटर और हरी मिर्च, ये देखिए मसाला हमारा रेडी हो गया है। इस तरह का मसाला बना के तो फिर इसमें अब मैं डालूंगी दाल। दाल को मैं भूनूंगी बस थोड़ा सा, 5 मिनट आप भून लें इसे, बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनते, फिर इसलिए ना हो जाती है सख्त सी हो जाती है। दाल को मैंने भून लिया, अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी, तकरीबन 2 गिलास इसमें मैं पानी डालूंगी। ये तकरीबन 25 से 30 मिनट में ना गलेगी, तो फिर मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। घर की सफाई भी हो गई है, दाल हमारी पक रही है, बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा इसे। साथ ही मैंने सोचा रोटियाँ भी बना लेती हूँ। माशाल्लाह से रोटियाँ हमारी बन गई हैं, देखें जी ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला, ये हरा धनिया गया इसमें, देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी शक्ल है माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, किस किस को दाल माश पसंद है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।